कि घर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पहले वाला घर है जहाँ पर एम सी स्टैन रहा करता था। ये एग्जैक्ट वही घर है जहाँ पर एम सी स्टैन रहा करते थे। ये वही वाला टेरेस है जहाँ पर है ना एम सी स्टैन अपने सारे सॉन्ग्स वगैरह शूट किया करता था। ये सामने आप ग्रेफिटी देख रहे हो, सारी पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हो, वो एम सी स्टैन ने है ना खुद यहीं पर की हुई है। कि वो है ना 2019 में वो लोग ये घर छोड़कर गए थे, इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का है ना। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में है ना मैं आपको लेकर आया हूँ पुणे में, और पुणे स्पेशली मैं इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना था यहाँ पर एम सी स्टैन का जो पुराना घर है वो पुणे में है ना अभी तक है। लेकिन एम सी स्टैन है ना वो अपने पुराने वाले घर में नहीं रहा करता है, वो करीब है ना 3 साल पहले ही वो लोग ये पुराना वाला घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। उसके भी कई सारे रीजंस है, वो सारी डिटेल्स में चीजें है ना हम आगे पूरे ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी हम है ना पुणे के वो एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर एम सी स्टैन रहा करता था। तो ये पुणे का है ना तली वाला रोड कहा जाता है, ये पुणे स्टेशन से ना बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। और मैं वो एक्चुअल बिल्डिंग के पास भी आ चुका हूँ जहाँ पर एम सी स्टैन रहा करता था। आप ये वाली बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, ये यहाँ की है रेलवे क्वार्टर्स। तो ये रेलवे क्वार्टर्स में ही है ना वो लोग रहा करता था एम सी स्टैन अपने फैमिली के साथ। यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग की ये 3rd फ्लोर पर यहीं कहीं पर उसका घर भी है। तो अभी मैं ना आपको ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ, उसका जो घर वगैरह है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हाँ मैं आपको ऊपर की तरफ जो उसका घर वगैरह ना वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। और ये तरफ देख सकते हो यहाँ पर ये सारे कोडिंग्स वगैरह लिखे गए हैं, और ये सारी कोडिंग्स है ना वो एम सी स्टैन ने खुद यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारे वॉल्स पर ग्रेफिटी वगैरह बनाई हुई है, उसने खुद ही यहाँ पर की हुई है सब। तो देखो अभी है ना हम लोग ये बिल्डिंग का है ना 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं। ये आप चौल का ये पूरा ओवरऑल लुक देख सकते हो। यही तरफ भी काफ़ी सारे घर है और ये तरफ भी काफ़ी सारे घर है। इसमें से जो एम सी स्टैन का घर था ना वो ये वाला घर था, और ये तरफ से का वो टेरेस का एरिया है। लेकिन अभी आप देख सकते हो टेरेस के एरिया में है ना उन्होंने लॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारे क्राउड जा रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे कि टेरेस पर जाने के लिए, क्योंकि वो टेरेस पर उसने तो अपने सॉन्ग्स वगैरह शूट किए, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने अभी टेरेस वगैरह लॉक करके रखा है। लेकिन अब हम बाद में ट्राई करेंगे कि मैं आपको पूरा ऊपर से भी नज़ारा दिखा सकूँ। ये एग्जैक्ट वही घर है जहाँ पर एम सी स्टैन पहले के दिनों में वो रहा करते थे। अभी है ना कुछ सालों पहले ही वो ये घर छोड़कर गए हैं, लेकिन देख सकते हो अभी ताला लगा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। मैं आपको है ना अंदर से यहाँ पर थोड़ा लुक दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो अंदर के घर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पहले वाला घर है जहाँ पर एम सी स्टैन रहा करता था, लेकिन देखो अभी कोई भी नहीं रह रहा है ना ये घर में, इसलिए ये घर पूरा खंडर हो चुका है अभी। क्योंकि अभी लोकल लोगों से बात करने के बाद है ना हमें फाइनली ये टेरेस के ऊपर जाने की परमिशन मिली है, ये चाबी भी मिल चुकी है हमें। तो अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और ऊपर जो वो सारे अपने सॉन्ग्स वगैरह शूट करता था ना वो अभी हम ऊपर चल के ही देखते हैं। तो ये जो टेरेस के लिए उन्होंने जाने का यहाँ पर गेट भी बनाया ना, उसके ऊपर भी देख सकते हो सारे एम सी स्टैन के उसने कोडिंग्स वगैरह लिख के रखे। अभी चलो हम चलते हैं यहाँ से। तो देखो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर टेरेस के ऊपर की तरफ। ये है टेरेस, वही वाला आइकॉनिक टेरेस जहाँ पर एम सी स्टैन ने अपना काफ़ी सारे सॉन्ग्स यहाँ पर शूट किए थे, वो सारे अपना यह ना सॉन्ग्स यहीं पर शूट किया करता था। ये टेरेस है ना यहाँ पर 4th फ्लोर पर है बिल्डिंग के, और वो 3rd फ्लोर पर ही रहा करता था। जो मैंने आपको इसके पहले वो घर वगैरह दिखाया तो वो वहीं पर रहा करता था और उसके सॉन्ग्स यहाँ पर शूट किया करता था। और ये आप पीछे देख सकते हो ये सारी ग्राफिटी वगैरह की है, वो भी सारी है ना एम सी स्टैन ने खुद ही यहाँ पर की हुई है। देखो गाइस यहाँ के हमने लोकल लोगों से बातें की ना, तो वो लोग ने हमें काफ़ी सारी हिस्ट्री के बारे में बताया एम सी स्टैन के। तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा एरिया है ना, आप मेरे पीछे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देख सकते हो, यहाँ पर ये येलो वाली बिल्डिंग्स आपको दिखाई देगी, तो ये गवर्नमेंट की है ना रेलवे क्वार्टर्स है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, रेलवे में काम करने वाले लोग रहते हैं, वो लोग को यहाँ पर घर दिया जाता है। तो एम सी स्टैन के फादर है ना वो भी रेलवे में काम किया करते थे, तो फिर वो यहाँ पर इसलिए रहा करते थे कि वो है ना 2019 में वो लोग ये घर छोड़कर गए थे, इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का है ना कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका था। लेकिन फिर 2019 तक एम सी स्टैन यहीं बॉर्न हुआ, यहीं रहे वो लोग। एम सी स्टैन के आपने देखा काफ़ी ये ग्राफिटी वगैरह की हुई है यही टेरेस पर, यही वाले सेम टेरेस पर वो काफ़ी सारे अपने सॉन्ग्स भी शूट किया करता था। मैं आपको है ना यहाँ से नीचे की तरफ भी दिखाता हूँ। आप ये नीचे वाला पूरा रोड वगैरह देख सकते हो, ये ग्राउंड देख सकते हो, ये जो सारी लेन्स है ना यहाँ पर रोड्स की, ये रोड की लेन में उसने काफ़ी सारे ना अपने सॉन्ग्स यहाँ पर शूट किए हैं। साइड में क्लिप्स वगैरह भी देख सकते हो उसने है ना, वो सामने वाला आप लेन देख सकते हो, ये वाली लेन में कहीं बार उसने सारे अपने सॉन्ग्स वगैरह भी शूट किए हैं। तो ये देखो यही है वो आइकॉनिक बिल्डिंग जहाँ पर एम सी स्टैन पहले रहा करता था। अभी तो है ना मेरे ख्याल से वो मुंबई में शिफ्ट हो चुका है, और वो मुंबई में है ना तो मैं भी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग एम सी स्टैन से एक बार मिल पाए, उनके साथ वीडियो वगैरह भी शूट कर पाए। अभी हम चलते हैं टेरेस के वो तरफ भी एक बार लुक ले लेते क्या चीजें हैं।
और देखो तो यही है अपना ये आइकॉनिक टेरेस और ये आइकॉनिक पूरी बिल्डिंग जहाँ पर एमसी स्टैन अपने सॉन्ग्स वगैरह शूट किया करता था। ये देखो ये हम टेरेस के दूसरी तरफ आ चुके हैं ना, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ग्राफिटी वगैरह की हुई है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि जो मैंने आपको पहले वो साइड का एरिया दिखाया ना टेरेस का, वहाँ पर वो अपने सारे सॉन्ग्स वगैरह शूट किया करता था। लेकिन देखो दोनों भी तरफ से दिखता तो ये पूरा सेम ही है। सो गाइस अभी हमें वापस से नीचे की तरफ आ चुके हैं, मैंने आपको ऊपर से पूरा इसका घर वगैरह दिखाया, ऊपर से जो टेरेस का एरिया था वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी। यहाँ के रेजिडेंट ने वही सारी चीज़ें बताई कि उनके यहाँ से शिफ्ट होने का रीज़न वही था कि उनके फादर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था, और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक सॉन्ग भी बनाया था तड़ी पार, तो यहाँ के एरिया वाले लोगों को है ना वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगी थी एमसी स्टैन को एरिया की। जब भी वो बिग बॉस में गया उसने पुणे को पूरा रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद है ना यहाँ के एरिया वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो चुके थे अभी एमसी स्टैन से। तो देखो यही वाला ब्लॉग बनाने के लिए ना स्पेशली मैं मुंबई से सिर्फ पुणे आया हुआ था आपको यही सारी चीज़ें एमसी स्टैन का पुराना घर वगैरह दिखाने के लिए। और आज डेट है 5th मार्च, और 5th मार्च को आज यहाँ पर मुंबई में एमसी स्टैन का कॉन्सर्ट भी होने वाला है। तो अभी तो देखो सुबह के 10 ही बज रहे और यहाँ की चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है, तो अभी मैं वापस मुंबई के लिए निकलने वाला हूँ और फटाफट हम चलते हैं मुंबई और आज एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट में चलते हैं, और वहीं पूरी ट्राई करेंगे कि एमसी स्टैन से हम वहीं पर मिल पाए। अगर मेरा मिलना होता है ना तो उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट देखने मिल जाएगा। एमसी स्टैन को लेकर क्या आपकी ओपिनियंस है वो भी मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। मेरे पर्सनल ओपिनियंस हो ना तो मुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आती है कि उसके पास इतने महंगे महंगे करोड़ों के एसेसरीज आते कैसे हैं एवरीडे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे सॉन्ग्स रैप से वो इतना ज़्यादा अर्न कैसे कर लेता है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर आपके कुछ ओपिनियंस हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तो बस देखो गाइज अभी हम आना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइज स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल दैट टाइम गुड बाय।